की बरसी के दिन सुरक्षा में भारी चूक। अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ भागे, संदिग्धों ने जलाई स्मोक कैंडल। साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था और 22 साल बाद आज ही के दिन साल 2023 में संसद की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली है। स्क्रीन पर नजर आ रही ये दो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लोकसभा में कार्रवाई चल रही है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि संसद में मौजूद सभी सांसद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दो संदिग्ध लोग लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में घुसाते हैं। ये दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे और आगे दौड़ने लग जाते हैं। इन्हें सांसदों ने पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सब कुछ उस दिन हुआ जब देश संसद हमले की बरसी के दिन शहीदों को याद कर रहा था। बहरहाल दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया है और उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। मामले की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि इनका मकसद क्या था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया है कि दो शख्स गैलरी से कूदे और उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ा, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़का मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। लोकसभा में सुरक्षा चूक पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये पूरी तरह से सुरक्षा चूक है, आज संसद के अंदर कुछ भी हो सकता था। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बताया है कि अचानक करीब 20 साल के दो युवक दर्शक दीर्घा से सदन में कूद पड़े और उनके हाथ में स्मोक क्रैकर थे। इस स्मोक क्रैकर से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, कुछ नारे लगा रहे थे। धुआं जहरीला हो सकता था, ये सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है, खासकर 13 दिसंबर को जिस दिन 2001 में संसद पर हमला हुआ था। सडनली टू पीपल फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी जंप्ड इनटू द हाउस। They had canisters in their hand. These canisters were emitting an yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors gallery with canisters which could emit smoke. This smoke could have been toxic. It could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know. But it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. बताया जा रहा है कि जो लोग कार्रवाई के दौरान अंदर घुसे वो दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। अंदर घुसे दोनों संदिग्धों में से एक पुरुष और दूसरी महिला है, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट की रहने वाली 82 वर्षीय कौर सिंह की बेटी नीलम के रूप में हुई है। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान लातूर के धनराज सिंधे के बेटे अमोल सिंधे के रूप में हुई है। जानकारी मिल रही है कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर आए थे। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे पूछताछ की जा रही है।